हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे वे में जारी किए होंगे। और आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं EEE 2 इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यह भी आप लोगों के एग्ज़ाम में 50 नंबर का आने वाला है। इसमें आप लोगों को ड्राइविंग बनाना होगा, कुछ सर्किट दिए जाएंगे, मोटर की सर्किट हो सकती है, कुछ मतलब कि आप लोगों को टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनके सर्किट पूछा जाएगा, पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम। ठीक, तो इसमें आप लोगों से मैं इसके पहले आप लोगों से बात कर चुका हूं भाई, इसके पहले आप लोगों से यहां पे हमने ये वाला फिगर बात किया है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर यहां पे गेटिंग सप्लाई फ्रॉम सेलेक्टेड फीडर्स, यानी दो फीडर के माध्यम से हमने कैसे एक मोटर को कंट्रोल किया था या फिर मोटर को कैसे चलाया था, इसको आप लोगों ने दिखाया था। इसमें हुआ क्या था दोस्तों कि जैसे कि हमारा एक फीडर में किसी प्रकार का फॉल्ट आया तो दूसरा फीडर हमारा क्या करता है, मतलब हमारी जो मोटर है ये किसी प्रकार से मतलब रुके ना, इसलिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। इसके आगे हमने आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोल डायग्राम को भी बताया है भाई। कंट्रोल डायग्राम में दोनों फीडर को दिखाना होता है और इनको एक फेज देना होता है, एक न्यूट्रल देना होता है। अगर आप लोग फेज एक ही में देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाले, सही है आपका पॉइंट। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के टॉपिक को हम बात करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टडी मेगा पॉइंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फॉरवर्डिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी हमें बात करने की, आप लोग बचपन में ही जानते होंगे, जो आप लोग मोटर लेते होंगे छोटी मोटी, टीवी का हो गया चाहे आपके DVD का हो गया, तो उसमें होता क्या है कि उन मोटरों को हम देखते हैं अगर पंखा लगा देते हैं तो होता क्या है कि आप जैसे ही पंखे को लगाते हैं और उनके फेज को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो एक बार हमारी मोटर अगर फेज चेंज कर देंगे तो मोटर हमारी उल्टा चलने लगे, फेज सेम हो जाते हैं तो जो मोटर है वो सीधा चलने लगती है। अब यहाँ पे वही बात हम करने वाले हैं कि मोटर हमारा यानी हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, यानी सीधी दिशा में, और एक उल्टी दिशा में, रिवर्स मतलब उल्टी दिशा में। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों को केवल पावर, यहाँ पे बात करते हैं पावर डायग्राम, उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल डायग्राम। ठीक है, आप लोग देखते रहेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, पावर की बात की जाए तो यहाँ पे हमें हमारे पास थ्री फेज की सप्लाई होनी चाहिए। अब थ्री फेज की सप्लाई कौन कौन सी होती है ये आप लोगों को पता है, जैसे हमारा यहाँ R हो गया, Y हो गया, B हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, R से ले लीजिए, एक R से हमारा एक कंडक्टर आएगा, यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से लाइए। ठीक है, वाई से भी आप ले लीजिए ऐसा कुछ, और B तो हमारा है ही। ठीक, अब इस प्रकार से प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से आप लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, MCB लगाते हैं, जिसे मेन स्विच भी बोला जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम सेफ्टी पर्पज से क्या लगाते हैं, फ्यूज़ को लगाते हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों को हर सर्किट में याद होनी चाहिए। ठीक है, अब करते क्या है, यहाँ पर हम लगा देते हैं भाई क्या, मेन स्विच लगा देते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होगा कुछ इस प्रकार से, इसका सिंबल हमारा अभी किस कंडीशन में है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, MCB हो गया भाई। आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें आप लोगों को हमने बहुत ही पहले बता दिया भाई, ये अभी पुरानी हमारे सर्किट का ही चल रहा है। ठीक है, हालांकि अभी इसमें कुछ बनाने में टाइम लगेगा तो इसके लिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएंगे, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, इसे हम बोल सकते हैं मेन स्विच, आप लोग थोड़ा स्पीड मोड में भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब ये हमारा क्या हो गया, मेन स्विच हो गया। अब हमने बताया था कि आप लोगों को सेफ्टी पर्पज़ से हम क्या लगाते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फ्यूज़ लगा सकते हैं, और आप लोग आशा करूँगा कि आप लोग अपने से एक बार बना लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को लगा लिया, उसके बाद हम क्या लगाते थे, कॉन्टैक्टर लगाते थे। ठीक है, चलिए हमारा आगे आ जाएगा कॉन्टैक्टर। अब देखेंगे अभी इसमें सिस्टम हमारा क्या काम करने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। कॉन्टैक्टर को अभी हमारा ओपन कंडीशन में है, अभी हमारे सर्किट ऑन कंडीशन में नहीं है, यही मैं आप लोगों से पूछना चाहता था। ठीक है, हालांकि जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे वो बहुत ही अच्छे वे में आप लोग अपने से कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट लगाएंगे, इसको हम K1 नाम देते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमारा फॉरवर्डिंग है। ठीक है, इसको हम फॉरवर्डिंग यहाँ KF लिख देते हैं, यानी KF मतलब फॉरवर्डिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, नीचे हमारी सप्लाई आएगी, उसके बाद आप क्या लगाते थे, OLR। ठीक है, OLR लगाते थे। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब OLR किस लिए लगाते थे, ये भी सेफ्टी पर्पस से ही लगाते थे, ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, OLR, ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, या ओवरलोड रिले बोला जाता है, इस बात को भी आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट समझते होंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, OLR मतलब क्या होता है, ओवरलोड रिले। ठीक है भाई, अब यहाँ से इसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, यहाँ पे हमारी होती है एक मोटर। ठीक, चलिए यहाँ पे हम आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। यहाँ पे हमारी होगी थ्री फेज की मोटर, मान लीजिए हमारी है थ्री फेज की मोटर है। ठीक,
चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा थ्री फेज की मोटर, इसको हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब देखेंगे तो हमारा मोटर का भी सिंपल सा हमारे पास क्या बन गया है, एक कनेक्शन बन गया है। अब हमें कहा जा रहा है फॉरवर्डिंग के लिए, ठीक है। फॉरवर्डिंग के लिए होता क्या है, इसमें इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। जो हमारी ये सप्लाई है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लेते हैं, आर हो गया, आर फेज से हम ले लेंगे, ठीक है। आर से ले लीजिए आप लोग, यहाँ से आर को ले लिए हम, ठीक। अब यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, वाई को भी ले लेते हैं, और यहाँ से हम बी को भी ले लेते हैं, इस प्रकार से आप लोग ले लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, ये थोड़ी लाइन बड़ी बनाना है ताकि आप लोगों को लाइनें जो हैं स्पष्ट दिखाई दें। अब एक कॉन्टैक्टर और यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्टर को बना लेंगे, ठीक। जैसे हमारा ये कॉन्टैक्टर अभी कैसे है, ओपन कंडीशन में है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक। ये कौन सा कॉन्टैक्टर है, ये भी क्या है, अभी हमने फॉरवर्डिंग बनाया है, अब क्या होगा हमारा यहाँ पर रिवर्सिंग कॉन्टैक्टर होगा। यहाँ पे के आर लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग कॉन्टैक्टर। अब चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा आर वाला जो फेज आया हुआ है, इस वाले कॉन्टैक्टर के एक सर्किट में दे देते हैं, और इसका इसमें दे देते हैं, और इसका इसमें देते हैं, ठीक। ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ से हमारा तीन वायर निकलेगा, इन तीनों वायर को हम यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मान लीजिए हमारा यहाँ से आर आया है, वाई है शायद, जी हाँ वाई है, और ए बी है। यहाँ पे हम फेज सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, इससे क्या होगा, हम यहाँ जो लगाए हैं के आर, ये रिवर्सिंग कॉन्टैक्ट है, यहाँ से हमारा क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई है और जो हमारी मोटर के डायरेक्शन है, यहाँ से चेंज हो जाती है। कैसे, हम दो फेज को चेंज कर देते हैं। चलिए इसको हम बी फेज कर लेते हैं, यहाँ पे हम इस वाली सप्लाई को बात कर रहे हैं, और इसको हम वाई कर लेते हैं, ये हमारा आर रहेगा ही, ठीक है। चलिए आर वाले को हम आर में कनेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है भाई। और जो प्रॉब्लम होगी आप लोग बताएंगे। यहाँ से हम आर वाले को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अब बी वाले को हम किस में कनेक्ट करेंगे, बी वाले को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हम बी वाले को कनेक्ट कर दिए हैं। अब जो हमारा वाई वाला है, वाई वाला सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा पूरा बन गया क्या, सर्किट हो गया। ये कौन सी सर्किट है भाई, पावर डायग्राम है, इसे हम पावर डायग्राम या पावर सर्किट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आप लोगों का रहा ये एक फिगर, जो कि किसका है, फॉरवर्डिंग या फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का है, ठीक। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया पावर डायग्राम, अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कंट्रोल डायग्राम को, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कंट्रोल डायग्राम की। कंट्रोल डायग्राम में होता कुछ नहीं है, कंट्रोल डायग्राम में हमारा होता यह है कि हमारा जो मोटर है उसको ऑन करना है, ठीक है। तो ऑन करना है और कंट्रोल भी करना है, ठीक। इसमें करते क्या है, पहले हमारा एक फेज होना चाहिए। फेज क्या होना चाहिए, आप लोग जैसा कि ऐसा देख सकते हैं, चलिए इसको हमने फेज मान लिया, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हमने सेफ्टी पर्पज़ से आप लोग फ्यूज़ दिखाया है, तो यहाँ पे आप लोग ये क्या दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्विच भी दिखा सकते हैं। चलिए हमने दिखा दिया, वो अभी किस कंडीशन में है, ये किस कंडीशन में भाई, ओपन कंडीशन में है। अब यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, फ्यूज़ को भी लगा दीजिए आप लोग, फ्यूज़ को भी लगा दीजिए। फ्यूज़ को कुछ हम इस प्रकार से लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर रिवायरेबल फ्यूज यूज किया जाता है, इस प्रकार से इसका सिंबल होता है, ठीक भाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमने लगाया था वो, अब यहाँ पे देख सकते हैं ओ एल आर सर्किट भी लगा सकते हैं, यहाँ से हमने लगा दिया ओ एल आर, ठीक। अब यहाँ से हमारा ओ एल आर हो गया, ठीक भाई। अब आगे चलते हैं, हमने आगे आप लोगों को बताया कि इसमें और आगे क्या हो सकता है, हमारा कॉन्टैक्टर होता है, लेकिन उसको उससे पहले हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर हम एक स्विच यूज करते हैं या बटन यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली क्लोज स्विच। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो हमारा सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से बन जाता है, आप लोग जो बुक में देखे हैं उसको बना सकते हैं। एक कैसा है, एनसी पुश बटन है, क्या है, पुश बटन है हमारा, ठीक। अब यहाँ से हमारा एक, यहाँ से हमारा कंडक्टर, इसकी जो सर्किट है पावर डायग्राम की, ये कुछ आगे बढ़ेगी, और यहाँ से आगे हम लगाते क्या है, एक नॉर्मली क्लोज स्विच लगाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्टर का है, ठीक है। एक इसको हम बोल सकते हैं एन। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको एनओ बोल सकते हैं, एन क्यों बोलेंगे, एनओ बोल देते हैं, ठीक। अब ये क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, नॉर्मली क्लोज है, तो ये हमारा कॉन्टैक्टर का है, ठीक। तो इसमें हम के आर लिख देते हैं, ठीक। ये किसका है, रिवर्सिंग के लिए है। अब इसके आगे हमारी सर्किट बढ़ेगी, अब सर्किट बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ से हम आप लोगों को दिखाए थे जैसा कि क्या रहता है हमारा। अब यहाँ पे हमने जो कॉन्टैक्टर लगाया है, ये कॉन्टैक्टर की हमारा एक सर्किट है, ठीक। यहाँ पे हमारा के एफ हो जाएगा, ये हमारा के एफ कॉन्टैक्टर हो गया। इसकी दो सर्किट, इसके दो कॉन्टैक्टर हो जाएंगे, एक हमारा ए, एक हमारा ए, दो टर्मिनल होते हैं किसी भी कॉन्टैक्टर के, तो इसको हम L1 टर्मिनल, इसको L2 टर्मिनल कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल से। अभी हमारा एक किसके लिए हो गया,
फॉरवर्डिंग के लिए। अब रिवर्सिंग के लिए भी आप लोग देख लीजिए, रिवर्सिंग के लिए हम कुछ करते नहीं हैं, बस यहाँ से हम ले जाते हैं। यहाँ पे भी हम कौन सा स्विच यूज करते हैं, नॉर्मली क्लोज स्विच यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्लोज स्विच यहाँ पे दिखा सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमारा नॉर्मली क्लोज हो गया। एक इसके लिए है नॉर्मली क्लोज है के एफ फॉरवर्डिंग के लिए, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब उसके आगे क्या होता है, जैसे जैसे आप लोगों ने देखा है वैसे वैसे सारी चीज़ें को कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, यहाँ पे हमारा होगा NO, किसके लिए हो जाएगा भाई, ये के आर के लिए, सॉरी के एफ के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए हमारा हो जाएगा, के एफ के लिए हो जाएगा, ये हमारा कॉन्टैक्टर का है, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हमारा कॉन्टैक्टर के आर हो जाएगा यहाँ पे, देख सॉरी के सॉरी यहाँ पे हमारा के एफ है, यहाँ पे हमारा के आर हो जाएगा, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, के एफ लिख लीजिए भाई, यहाँ पे के एफ लिख लीजिए, यहाँ पे के आर कर लीजिए, क्योंकि हमारा रिवर्स के लिए इस साइड है और फॉरवर्डिंग के लिए इस साइड है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पे हम इसको न्यूट्रल दे देंगे, ठीक, ये तो हमारी हो गई सर्किट। अब इसके कंट्रोलिंग के लिए भी आप लोग क्या करते हैं उसको भी थोड़ा देख लेंगे। तो कंट्रोलिंग के लिए भाई लोग आप लोग करते हो क्या हो कि यहाँ से कुछ इस प्रकार से ले जाते हो और एक हमारा और क्या होता है स्विच को यू जोड़ देते हैं। जो कौन सा स्विच होता है, यहाँ पर नॉर्मली ओपन स्विच होता है, क्या होता है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से, या इस साइड से ले सकते हैं या इसी साइड से ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक। ये क्या हो गया, नॉर्मली ओपन स्विच हो जाएगा, किसका, के एफ का हो जाएगा, ठीक भाई। इसके इसी प्रकार हम यहाँ से भी कर सकते हैं, किसके लिए, इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक, यहाँ से हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा होगा, जैसे कि आप लोगों ने के एफ के लिए दिखाया है यानी फॉरवर्डिंग के लिए, वैसे ही हमारा रिवर्सिंग के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, एन सी कॉन्टैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इस वाला स्विच को, इस प्रकार के सिंबल को यूज कर सकते हैं, इस प्रकार के सिंबल को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, के आर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी पूरी सर्किट बन गई। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हम इस सर्किट को स्टार्ट करते हैं, हमारा दो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में हमारी पूरी सर्किट को बन गई है। यहाँ से जैसे कि हमारी सर्किट ऑन होती है तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, हमारा ये जैसे कि हमारा पूरा सर्किट आ जाती है, यहाँ पे हमारी करंट आ गई, यानी वोल्टेज जो करंट होती है वो आ गई। अब होता क्या है कि अभी हमारा नॉर्मली कंडीशन में है, नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, तो इस वाले कंडक्टर में हमारी आती है करंट यहाँ से। अब जैसे कि यहाँ पे आएगी, जो नॉर्मली ओपन स्विच है इसको क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, एनर्जाइज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एनो स्विच है, ये कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा, ठीक है। और यहाँ से हमारी सर्किट, यहाँ से जो है नॉर्मली क्लोज स्विच है ये क्लोज हो जाएगी और हमारा के एफ के आर जो है यानी रिवर्सिंग कॉन्टैक्टर है जो, ये ऑन कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारी मोटर क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी, इस स्थिति में हमारा ये ओपन रहेगा, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही हमारा ये कॉन्टैक्टर सर्किट हमारी ये नॉर्मली ओपन जो है इसको हम देखते हैं, जैसे ही हमारा इसमें पावर सप्लाई आती है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, नॉर्मली ओपन स्विच जो है ये क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट को क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। और यहाँ से हमारा क्या होता है, के एफ जो हमारे फॉरवर्डिंग कॉन्टैक्टर है वो क्या करता है, पावर सप्लाई को ऑन कर देता है। यानी इस स्थिति में हमारा क्या होगा, जब हमारा ये वाला फॉरवर्डिंग वाला वर्किंग कंडीशन में रहेगा तो हमारा रिवर्सिंग वाला जो हमारा कॉन्टैक्टर होगा वो क्या होगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक काम करेगा, एक हमारा ओपन कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो इस बात को आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों टू स्पीड कंट्रोलर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि लेक्चर आप लोगों का बड़ा हो जाएगा और स्किप करना स्टार्ट कर देंगे। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। जिनको ना समझ में आया होगा भाई, आप लोगों के लिए आप लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों का सिक्स सेमेस्टर की क्लासेस आप लोगों की ऐप पर चल रही हैं, डेली क्लासेस चल रही हैं, उनको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। उसकी जो फीस है बहुत ही नॉर्मल फीस है भाई, आप लोग पे कर पाओगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।